हे वीडियो कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ चला होस्ट आपको फिर से एक वीडियो के साथ। तो गाइस आप देख रहे हैं भाई को, ठीक है ना। तो एक भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे मेरे पास, तो भाई ने मुझे बताया क्या दिक्कत है इनके साथ। तो यार मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, यही भाई बताएंगे सीधा कि क्या है, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं जाना भी यार। तो भाई क्या हुआ आपके साथ, तो आप जल्दी बता दो। प्रॉब्लम बताने से पहले सबसे पहले तो थैंक यू भाई, आपने मेरे रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, 2 ईयर्स हो गए मेरी मैरिड को। मेरा काम बाहर का है, मुंबई बैंगलोर ऐसा, ठीक है, अप डाउन लगा रहता है। तो मेरी वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा। और जैसे मेरे पड़ोसी है कोई, उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स भेजी है बैक साइड बैकग्राउंड की, ठीक है। अच्छा। तो उससे पता नहीं, कह नहीं सकते कि वो लॉयल है नहीं है, बट मेरे मन में तो डाउट पैदा हो रहा है ना। तो फोटो बैक साइड कैसी है, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के साथ है, तो आप पहचान नहीं पा रहे हो क्या? पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, हम शक भी नहीं कर सकते, ऐसे डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते ना। अच्छा। पता नहीं कैसे क्या नहीं है, अब कैसे पता लगेगा लॉयल है लॉयल नहीं है। अब पड़ोसी वाले का कॉल भी आया था, वो कह रहे थे तुम्हारी वाइफ ऐसे ऐसे घूम रही थी किसी और के साथ। अच्छा। मैंने फिर भी ट्रस्ट नहीं किया, मैंने कहा एक बार फिर भी कंफर्म मैं अपनी आंखों से जाके देखूंगा, देन उसके बाद ही कुछ डिसीजन लूंगा। ये प्रॉब्लम थी। तो ये कब से हो रहा है अभी? स्टार्टिंग में 6 मंथ सही थे, उसके बाद अप डाउन लगा रहा, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फोटोग्राफ्स आने लगी, घूमना ये वो ये चीज़ था। अब उसको पसंद नहीं है, मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, उसे पसंद नहीं है। मेरा बिजनेस है, आपको पता है बिजनेस में तो अप डाउन लगा रहता है। हाँ, बिजनेस है ना, वो तो छोड़ ही नहीं सकते। हाँ। वो चीज़ है, बताओ कैसे विश्वास करूँ मैं उस पर, उसको मैं सामने लाना चाहता हूँ, पूरी जितनी भी प्रॉब्लम है सब क्लियर होना चाहता हूँ। अच्छा, तो यार पहले मैं बता दूँ कि जो उनकी वाइफ है, ठीक है, उससे मेरी बात चल रही है और कंटिन्यू 1 हफ्ते मेरी बात चल रही है, मगर यार सोशल मीडिया पर कोई कुछ और इंसान होता है और सामने कुछ और इंसान होता है, इसलिए मैं मिलने के लिए बुला रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बताया नहीं कि मेरी क्या बात हुई है, नहीं बात हुई, मैंने कुछ नहीं बताया इनको, मैं सीधा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है सीन, ठीक है ना। तो पहले मैं कॉल कर लेता हूँ, एक बार मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ पहले, ठीक है। हेलो, हाँ जी, कैसे हो? ठीक हूँ, कहाँ पे पहुँच गए थे? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बस मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। अच्छा, 5 मिनट पहुँच जाओगे? हाँ जी। ठीक 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 देख रही हूँ। आप एक काम करो, एक बार आप कॉल करो उसे, पूछो कहाँ पे है वो, एक बार आप कॉल करो, ये भी देखें। हेलो खुशबू, कहाँ पे हो? मैं घर पर हूँ, खाना बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, कितनी देर में आ जाओगे? मैं लेट हो जाऊँगा, शाम हो जाएगी, 7-8 बज जाएंगे। हाँ, ठीक है, तुम बना लो खाना। बना इनकी भाई मेरे लिए खाने लेके आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो लॉयल हुई तो अच्छी बात है यार, बाकी देखते हैं क्या है, ठीक है ना। स्टार्ट यहाँ पे आगे, फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और एक काम करते हैं आप चले जाओ कैमरे के पीछे, ठीक है भाई, कुछ मत करना ऐसी हरकत, तो काम बिगड़ जाए, ठीक है ना, बाद में आना, ठीक है। हाँ वेट, तो गाइस वेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दिखा 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 दिखा, भाभी तो बहुत क्यूट लग रही है शूट में यार, भाई साहब दिल आ गया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? ज़्यादा वेट नहीं, बस यार इतना वेट करना हुआ कि आपको देख के मैं गुस्सा मेरा सारा शांत हो गया। अच्छा, गुस्सा शांत हो गया, गुस्सा आ रहा था, क्यों? गुस्सा यार पता है धूप में ना, 88 से बंदा होता है ना, वो चीज़ हो गई। अच्छा, मतलब ज़्यादा देर वेट करना पड़ गया, धूप में गुस्से में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, कोई नहीं, अब नहीं, अभी चिल हो जाओगे। ऐसा क्या करने वाले, चिल कर दोगे मुझे? बातें करके। अच्छा, बातें करके कर रहे हैं, बात साथ में बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ ये भी तो है, मगर बताओ एक बात बोलूँ, आप बहुत क्यूट हैं, आपकी शादी नहीं होती ना तो मैं आपकी शादी कर लेता फिर, अभी तो आप मैरिड हो यार। लेकिन चांस सारा खत्म, आप मुझे फोटो से ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, बॉडी बॉडी उसमें सिर्फ फेस फेस देखा था ना, ऐसे बॉडी बॉडी कितने स्मार्ट लग रहे हो, फोटो ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैं फोटो भेज देता ना आपको, आप बोलते तो बॉडी वाली फोटो सेंड करना, तो आपकी बॉडी वाली फोटो मुझे नहीं पता, मैंने तो फेस देखा, मैं तो स्मार्ट लग रहा, लेकिन रियल में तो ज़्यादा लग रहे हो। अच्छा हाँ। ये पता है पहली बार किसी ने कहा मुझे? अच्छा, क्या आप स्मार्ट भी हो? अरे झूठ बोल रहे हो, रहने दो। सच में? नहीं, रहने दो, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, सबने बोला, काफ़ी बोले होगा उन लोगों ने। तो आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, घर पे ही होंगे अभी? नहीं, ये बता क्या नहीं है, नहीं नहीं, वो बिजनेस की वजह से बाहर जाते रहते हैं। अच्छा, तो बिजनेस है, कभी दे पाते हैं, मैं घर पे ही रहती हूँ, कभी कभार कहीं घूमने जाना होता है जैसे ले जाते हैं वो, लेकिन कम टाइम दे पा रहे हैं, बिजनेस में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं।
हाँ यार तो बिजनेस यार काम होता है, फैमिली को तो काम करना पड़ा, फैमिली मेंटेन करना चाहिए ना, तो लेकिन वो उनके लिए बिजनेस पहले है कि नहीं, पहले बिजनेस बिजनेस बस वही उसी में। अभी तक अब 2 साल हो गए तो अभी तक हमारा कोई बेबी भी नहीं है इस वजह से। अच्छा बेबी नहीं हुआ अभी तक? नहीं बेबी कोई नहीं, अभी 2 साल है, आगे भी तो लाइफ है, अभी क्या पता आगे हो जाए। वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो बिजनेस में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, फिर मेरे पास रहते भी नहीं है, वो बाहर ही जाते रहते हैं, तो मुझे लगता नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं कुछ, मतलब नॉर्मल बंदा बात करे टाइम दे या कुछ है नहीं, वो घर पर रहते ही नहीं है, बाई चांस कभी कभार हुआ एक दो दिन में तो नहीं रहते नहीं। मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि बिल्कुल आपको तो लग रहा है भैया तो प्यार ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्यार नहीं है, काम भी पता क्या होता है, देखो यार एक लड़का या आदमी होता है ना उस प्यार एक बोझ होता है काम का, वो अपनी फैमिली को देखने के लिए ना। हाँ फैमिली देखो आज के जमाने में पैसा है सब बोलता है ठीक है ना, क्योंकि पैसा ही है ठीक है, तो इसलिए यार काम के लिए सिस्टम जाना पड़ता है ना। लेकिन फैमिली के लिए तुम कर रहे हो ना, जब फैमिली को ही टाइम नहीं दोगे तो फायदा क्या उसका? अब फिर वही चीज़ नहीं करेंगे तो फिर फैमिली भी साथ नहीं पाएगी ना। वही ना, दोनों का मेंटेन। हाँ दोनों को मेंटेन करना होता है। अब अपन के दिमाग में क्या है, वो क्या सोचते हैं कि आगे जल्दी ले जाऊँ मैं? प्यार था, हमने भाई लव मैरिज भी करी, 2 साल हो गए, पर मुझे अब लगता है कि नहीं हो, कुछ हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। कोई नहीं, इतना सोचो मत, ऊपर वाले हैं उस पर भरोसा रखो, सब कुछ होगा। उसी लिए तो अभी भरोसा रख के तो 2 साल हो गए, लेकिन वही है कि वो नहीं, अब बिल्कुल उन्होंने टाइम देना बंद कर दिया, वो भारी पे अपने बिजनेस में लगे रहते हैं बस। चलो कोई नहीं यार, ये तो ज़्यादा कुछ खा पी जाइए आप। नहीं मेरे को था जल्दी निकलने में, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, पर वही टाइम लग गया मुझे बाहर ट्रैफिक की वजह से ना, टाइम लग गया। तो भैया अभी अभी कहाँ हैं आप, घर पे ही हैं या बाहर, आप बता के उनको? वो अभी गए हुए हैं, शाम तक आएंगे वो। मैंने हाँ बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम तक आ जाऊँगा। शाम तक? अच्छा तो ये भैया को पता नहीं हम दोनों के बारे में कि आप मुझसे मिलने आई? कभी भैया मुझे कभी पुलिस वुलिस लेके आ जाए पीछे से? नहीं उनको पता नहीं है, तो मैंने कुछ बताया भी नहीं अभी। पहले मुझे था कि नहीं, मैं उनके लिए भाई सोच रही थी कि नहीं मैं सही है भाई, मुझे वो कहीं नहीं, लेकिन उन्होंने टाइम देना बिल्कुल बंद कर, मतलब कुछ समझ नहीं आया, और कहीं टाइम देना मतलब कुछ समझ नहीं आई, मतलब पहले कि भाई नहीं मुझे किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना या कुछ है, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल टाइम देना ही बंद कर दिया। तो मेरे तरफ का ध्यान दे रहे हम तो, मतलब नॉर्मल फ्रेंड तो बने हैं अभी, फ्रेंड ही तो हैं, फ्रेंड है, पर मुझे आप पसंद हो। पसंद हूँ मैं कैसा? मैं आपको लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। अभी आप मैरिड हो तो मुझे और ज़्यादा कि वो इतना स्मार्ट है, और बात करते करते ना मुझे प्यार हो गया। अभी आप मैरिड हो ठीक है, तो मैंने एक फ्रेंड मैरिड हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि मैरिड हूँ सही है, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ बताओ? तो यार भाभी ये बताओ कि मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँगी आपके ऊपर कि आप देखो अपने यार हस्बैंड को चीट कर रही हो ठीक है, और मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँगी यार आप मुझे नहीं करोगे आगे जाके? नहीं मैं इसलिए भाई वो मुझे टाइम दे नहीं पा रहे, मुझे बेबी चाहिए, और मुझे तुम्हारे साथ पहली बारी में देख के प्यार हो गया था, मैं आज तक कभी किसी से मिली ही नहीं, किसी से कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पहली बार एक बारी में बोलने से मैं तुम्हारे पास आ गई, तो मिलने आई हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे बेबी चाहिए, लेकिन मेरे को अपने पति से ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है, और ना उनसे प्यार मिल पा रहा है, वो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी टाइम उनसे ये चीज़ बोलो तो मुझे चीज़ें एक बार यकीन करके देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। मैं भाभी ऐसा नहीं कर सकता ठीक है, भाभी जब यार आप टाइम दो ना उनको। मैं तो टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैं घर पे ही रहती हूँ, वो टाइम ही नहीं दे रहे मुझे, वो बिजनेस में लगे रहते हैं। तो भाभी आपको तो ही टाइम देना होगा ना यार, आप बोलोगे ना उनसे? मैं तो बोलती हूँ, लेकिन उन्हें मुझे लगता नहीं कि आपको इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल अपने पास बिजनेस में ही बिजी है। तो भाभी आप भैया को बताओ ना चीज़ें कि जब भी तो होगा यार, आपने बताओ। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या बात करूँ? पहली बात तो आप मुझे भाभी मत बोलो, मेरे नाम से बुलाओ, मुझे कुछ भी करके बुलाओ, तुम करके बोलो, आप करके मत बोलो। चलो तो हम मुझे आप बोलने आए थे, आप करके मत बोलो, आप पहली बात तो मुझे नाम से बुलाओ, भाभी मत बोलो, सच में आप क्या करिए यहाँ क्या करी इसकी दर्द? इन्होंने मुझे मैसेज करके बुलाया, भाई देख लो तेरे सामने जो है, इन्होंने मैसेज करके बुलाया कि मेरे से एक बारी बात करने आ जाओ। ये क्यों बुलाएगा तेरे को? इन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं नहीं जानती है ना, ये मुझे छेड़, भाई जो है तेरे सामने ही देख ले तू खुद ही, ये करने आती है मेरे पीछे से, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तेरे लिए, पीछे बाहर रह रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि मैं बात करने एक मिनट आ जाएगी बात करने के लिए, और तब मैं इसलिए आ गई। ये तो कुछ भी कहेगा इसका क्या, तू गई क्यों? ये बुलाएगा तो तू आ जाएगी, ये करने आती है तुम?
तिनोरे मुझे बोला कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इसलिए मैं आ गई। क्या बात करना चाहता हूँ? वो तो कुछ भी बोलेगा उसकी बातों में आएगी। शादी मिर्ची की है ना, मैं बाहर तेरे लिए कमा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और तू यहाँ पे ये कर रही है। बात करने के लिए बोला है, मैं ये इधर बैठ कर ले। ये करने आ रही है तू, बता ना ये करती है यहाँ पे। इन्होंने बुलाया, मैं नहीं जानती, इन्होंने मैसेज करके बुलाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा इसको किस करने वाली थी। नहीं किस करने वाली थी ना, नहीं किस करने आई थी, किस करने जा रही थी यार? ऐसा कुछ नहीं है। किस करने आई है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, तुम इन पे यकीन करो, मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें। क्या क्या सीन है भाई तुम्हारा, मतलब क्या है? भाई देख तू ये सब कुछ देखा है क्या है भाई? भाई देखो सब कुछ प्रूफ दे दिया मैंने, जिसे तू मेरे पास आया था, ठीक है ना? अब बाकी जो तुमने कुछ सुना भी नहीं होगा तो चीज़ मैं तुझे सुना दूंगा, बाद में कैमरा लगा हुआ अपना, ठीक है? सारे रिकॉर्ड हो चुके और वीडियो भाई मेरे को चाहिए भाई, ले लेना यूट्यूब पे जाए। वो सब वीडियो में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है? अब बताऊँ कुछ बताऊंगा नहीं, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। वो वीडियो बनेगी, वीडियो डिलीट कर दो, ये वीडियो डिलीट कर दो यार, माफ कर दो प्लीज। और ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है? ये मेरा फ्रेंड है, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। इधर इधर बैठो, पहले इधर बैठो, भाई देख जो भी चीज़ हुआ है, ठीक है ना, वो चीज़ वीडियो तेरी कल ही पहुंच जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है? और सब तू देख लियो क्या हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए इतना कर रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ दो दो महीने तीन तीन महीने, ठीक है? कमा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा घर लेंगे दोनों साथ में रहेंगे। भाई वो चीज़ तूने अच्छी सोची, मगर ये वो चीज़ को नहीं सोच पा रही है, इसको बेबी चाहिए क्या चाहिए। भाई देख अब तुम आपस में बात कर लो, जब तो बेबी करेंगे ना, काम ही नहीं होगा तो इधर तो इधर बैठ पहले, ये करने के लिए आती है मेरे पीछे से। अच्छा तो नजर किससे मिलती होगी? वो तो 36 बार बुलाएगा, जाएगी क्या तू? क्या भाई एक काम कर, भाई से घर पे लेके जा यार, यहाँ से यार देखिए हम भी बेकार लग रहे थे। अब भाई अब देख घर पे जाके सारे, तूने मुझसे क्या कहता है भाई, देख ले भाई क्या है नहीं, बाकी मैं खुद देख लूंगा, बाकी खुद देखो यार। हाँ ये बीट भाई कल मिल जाएगी सुबह, हाँ इसे लेके जा भाई यहाँ से। मैं देख लिया तो क्या हुआ, ठीक है ना? और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा यार, बस जो आपने देखा है वही हुआ है, ठीक है? अब मैं ही नहीं बोलना चाहूँगा कि हर भाभी गलती होती है यार, कोई कोई ऐसी हो जाती है, और वो भी पहन किस रीजन से नहीं, जैसे बेबी वेबी क्या है नहीं है कुछ ही मुझे पता नहीं है। तो बस क्या करना, आपको वीडियो शेयर कर देना, इसके साथ ऐसा हो रहा होगा तो भाई उसकी आगे खुल जाएगी, और जो भाभी कर रही होगी समझ जाएगी कि नहीं गलत है वो, उसके लिए ही उसी के लिए ही चीज़ें हो रही है, वो बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसी के लिए सब कुछ है ये, ठीक है? बस गए वीडियो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? इंस्टा आई डी यहाँ पे फॉलो कर लो। और हाँ मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था इससे कि मैं सॉन्ग का शूट कर रहा हूँ, अभी जल्दी सॉन्ग आने वाला, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है ना? बस बहुत कम रह चुके हैं, जल्दी करवा दो। तो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।